नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के अमेठी की। लंबे समय से गांधी परिवार का पर्याय रहा है, लेकिन 25 सालों में ये पहली बार होगा जब यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। 1967 में अमेठी सीट के अस्तित्व में आने के बाद से गांधी परिवार का गढ़ से माना जाता था। अमेठी का प्रतिनिधित्व तब से लगभग 31 सालों तक कांग्रेस का नेता वहां से करते आ रहे हैं, लेकिन साल 2019 का वो आम चुनाव जिसमें कांग्रेस इस अभेद किले में सेंध लग गई और बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया। इस बार यानी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस की जंग सुपरहिट मुकाबला, गढ़बचौरी की सबसे बड़ी लड़ाई, इतिहास दोहरा पाएंगे किशोरी लाल। अमेठी सीट का नाम जहन में आते ही गांधी परिवार की तस्वीरें नजरों के सामने उभर आती है। एक के बाद एक गांधी परिवार के सदस्य ने इस सीट को अपनी कर्मभूमि माना तो देश की जनता से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ बताया। अमेठी कांग्रेस का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इसमें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने साल 2019 में सेंध लगा दी और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए और कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग को ढा दिया स्मृति ईरानी ने। नतीजा ये रहा कि इस बार राहुल गांधी ने सीट छोड़ दी और रायबरेली चले गए, जबकि सीट पर कांग्रेस ने कभी राहुल के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को स्मृति का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा है। 1967 में लोकसभा सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार ही चुनाव हारी है। 1977 की लहर में संजय गांधी हारे, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा हारे, 2019 में राहुल गांधी हारे। उन्हें स्मृति ईरानी ने 50,120 वोटों से हराया। बीजेपी अब अमेठी में कांग्रेस को कभी मौका नहीं देना चाहेगी, इसलिए पार्टी के दिग्गजों का भी फोकस लगातार अमेठी पर रहा है। 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले और वोटों का अंतर राहुल गांधी करीब 1,08,000 वोटों से जीते थे। 5 साल बाद 2019 में राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे, जो 2014 की तुलना में 6,000 कम है, जबकि 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जो 2014 की तुलना में करीब 1,68,000 से ज्यादा है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी का वोट 2014 और 2019 में कम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया। 2019 में राहुल के हार के बाद अब 5 साल तक वक्त बीत गया, लेकिन राहुल लौटकर कभी अमेठी की जनता से नहीं मिले। 2019 से अब तक 3 बार राहुल अमेठी पहुंचे, जबकि स्मृति 100 से ज्यादा बार अमेठी की जनता से रूबरू हो चुकी है। पिछले 10 साल में राहुल ने जो काम नहीं किया वो काम स्मृति अपने एक कार्यकाल के दौरान कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अमेठी, तिलोई, गौरीगंज, सलोन और जगदीशपुर है। इनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 और कांग्रेस की 4 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अब अमेठी में हिंदू मुस्लिम का समीकरण भी समझ लीजिए। अमेठी में कुल आबादी 15 लाख है, यहाँ हिंदू 66.5% तो मुस्लिम 33% है। लंबे समय से कांग्रेस और उसके चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहे किशोरी लाल शर्मा के सामने गांधी परिवार का खोया हुआ गढ़ वापस पाने की चुनौती होगी। किशोरी लाल शर्मा के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस सीट पर बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। रिपोर्ट, भारत 24। तो
अमेठी सीट को गांधी परिवार की पॉलिटिकल डेब्यू सीट भी कहा जाता है। संजय गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी ने भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू यहीं से किया था। वो ऐसा करने वाले गांधी परिवार की पांचवी शख्सियत हैं। साल 2014 में बीजेपी की स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर अपना बदला और अमेठी विरासत अपने नाम कर ली। लेकिन साल बदला और फिर राहुल ने अपने किले को सिपाह सरार भी उनके भरोसे छोड़ दिया। अब इस चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी का सामना कांग्रेस के केएल शर्मा से होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा। अमेठीकरण किसका पूरा होगा प्रण? केएल शर्मा के बूते कांग्रेस की गढ़ में वापसी। कहते हैं जंग बराबरी की हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है, फिर चाहे वो रेसलिंग हो या फिर सियासी जंग का मैदान। सियासी गलियारों में अमेठी की जनता आस लगाए बैठी थी कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य तो चुनाव में जरूर उतरेगा, लेकिन वहाँ की जनता के हाथ तो मायूसी ही लगी। अमेठीकरण अब बिल्कुल 180 डिग्री बदल चुका है। अमेठी किरण में गांधी परिवार का कोई सदस्य तो मैदान में नहीं उतरा, लेकिन हाँ, परिवार के सबसे करीबी रहे केएल शर्मा को टिकट जरूर मिला। अमेठी सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही, लेकिन बीते 5 सालों से गांधी परिवार से दूर हो गई। अब इस विरासत को दोबारा से हासिल करने के लिए गांधी परिवार ने अपने सबसे भरोसेमंद केएल शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार के सिपहसालार अमेठी का बेड़ा पार लगा पाएंगे? माहौल एक तरफा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी कहीं लड़ाई में है ये नहीं है। अमेठी के जनमानस का एक ही आवाज है, केएल शर्मा यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ स्मृति ईरानी लाखों वोटों से हारेंगी। अमेठी की जनता को तो पूरा भरोसा है, चाहे गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी में हो या ना हो, लेकिन जीत तो गांधी परिवार से भेजे सिपहसालार की ही होगी। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो यहां से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी का हौसला बुलंद है। स्मृति ईरानी अमेठी में अपने संगठन को पिछले 10 साल में इतना मजबूत कर चुकी हैं, इसलिए इस बार फिर से जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। उम्मीद तो नहीं है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। क्या लग रहा है कौन सीट निकालेगा यहाँ बीजेपी को? क्या क्या खूबी देखा आपने? देखा ये कि भैया कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है अमेठी में। स्मृति ईरानी तो जीती हुई है गांधी जी। क्या कारण है ऐसा? जो ऐसा कारण है कि विकास स्मृति ईरानी अमेठी को बहुत दे चुकी है। बहरहाल स्मृति ईरानी की नज़र 1998 का ट्रेंड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार संसद पहुंचने वाली अमेठी से बीजेपी की पहली सांसद बनने पर है। 2019 में स्मृति ने राहुल को हराया। 2024 में उनके सामने केएल शर्मा कहीं नहीं ठहरते। इसी आत्मविश्वास के साथ स्मृति अमेठी के मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस को 1999 के नतीजे दोहराते हुए हारी सीट फिर से जीत लेने की उम्मीद है। कांग्रेस ने 1998 में हारे उम्मीदवार की जगह नए चेहरे पर दांव लगाया था। पार्टी ने इस बार भी वही फॉर्मूला दोहराया है। ऐसे में देखना होगा कि स्मृति पुराने ट्रेंड को तोड़ पाएंगी या केएल शर्मा गांधी परिवार का खोया गढ़ कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं अमेठी के रण में कौन कौन है। अगर बात अमेठी की करते हैं तो तीसरी बार बीजेपी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में होंगी। तो कांग्रेस की बात करें, केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार। अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था और अच्छे खासे अंतर से हराया था, और अब इस बार उनका मुकाबला है कांग्रेस के केएल शर्मा से। लेकिन अमेठी में इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार को टिकट ना देकर उनके करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में हैं। अमेठी की जनता से मिलीजुली कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां पर कुछ लोगों ने रोजगार और महंगाई को मुद्दा मानते हुए बीजेपी का विरोध किया है, तो कुछ लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना भी की है। जरा एक बार आपको अमेठी की जनता को सुनाते हैं। उम्मीद तो नहीं है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। क्या लग रहा है कौन सीट निकालेगा यहाँ बीजेपी को?
क्या क्या खूबी देखा आपने? देखा ये कि भैया कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है अमेठी में, जैसे कि बाईपास बनवा दिया, ओवर ब्रिज बन गई, ऐसे ऐसे बहुत कार्य हैं उनके सराहनीय। माहौल एक तरफा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। गांधी परिवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, ऐसे में किशोरी लाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी कितना टक्कर? तो देखिए, अमेठी सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। 1967 से सिर्फ 5 प्रत्याशी गैर यहां पर गांधी परिवार के रहे। बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी की तीसरी गैर कांग्रेसी सांसद हैं। 2019 की बात करें तो चुनावों से पहले बीजेपी 1998 में उसने ये सीट जीती थी, जब इसके उम्मीदवार संजय सिंह थे जिन्होंने चुनाव जीता था। अमेठी से सांसद बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी सांसद जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनावों में जीत हासिल की थी। और अब तक इस सीट पर हुए 14 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 बार यहां से जीत हासिल की है। 1967 में और फिर 1971 में अमेठी से जीतने वाले पहले कांग्रेस उम्मीदवार वीडी वाजपेयी थे। 1977 की बात करें तो अब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी कि संजय गांधी ने पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1980 में संजय गांधी ने सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव फिर जीता। उनके निधन के बाद उनके बड़े भाई यानी कि राजीव गांधी ने उपचुनाव में ये सीट जीती। राजीव गांधी ने लगातार 3 बार अमेठी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 1991 में उनकी हत्या के बाद गांधी परिवार के वफादार यानी कि सतीश शर्मा को ये सीट मिली, उन्होंने सीट को संभाला। उन्होंने 1991 के उपचुनाव और 1996 के लोकसभा चुनावों में इसको जीता, लेकिन 1998 के चुनाव में इसको बरकरार रखने में वो असमर्थ रहे। 1999 में चुनाव जब हुए, अमेठी से चुनावी शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने ये सीट फिर जीती। 2004 में सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल के चुनावी डेब्यू के लिए अमेठी सीट छोड़कर पड़ोसी क्षेत्र रायबरेली चली गई। राहुल गांधी ने 2019 में ईरानी के हाथों से अपनी चौंकाने वाली हार से पहले 2004, 2009 और फिर 2014 में 3 बार यहां से जीत हासिल की थी।